Okay. गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। गुड मॉर्निंग सर। ओके थैंक यू। नाउ यस्टरडे वी स्टार्टेड विथ अ न्यू पार्ट। प्लीज राइट द क्वेश्चन। राइट अ क्वेश्चन लिखो। Please write a question, every one of you. What do you understand by number one, streamline flow or laminar flow? What do you understand by number one, streamline flow or laminar flow, and number two, turbulent flow? Streamline flow or laminar flow, number two, turbulent flow. Ab suno dhyan se. I am going to ask. Straight away, I am going to ask. Okay. See, we know liquid flows. Any liquid flows, all of you agree. Remember, there is a certain velocity, critical velocity. Uski value mein mat jao abhi. Uska formula hai, wo mil dunga baad mein. If the velocity of flowing liquid is less than critical velocity, the flow is called streamlined flow or laminar flow. And if the velocity is more than critical velocity, it is called turbulent flow. Om Mistri, itna repeat kar. Om Mistri. Yes, sir. Now, repeat, girl. What is laminar flow and turbulent flow? Sir, my meeting was reconnecting. That's why I can't hear. Okay. Bhargesh, bolo. Yes, sir. Sir, if the velocity of flow is less than critical velocity, that is known as streamline velocity. And if the velocity of flow is more than critical velocity, then it is known as. अरे स्क्रीन देख लो, सामने स्क्रीन पे देख लो. टर्बुलेंट फ्लो. दैट इज टर्बुलेंट फ्लो. वेलोसिटी इज टर्बुलेंट फ्लो. ओके अंडरस्टैंड नाउ. नाउ व्हेनेवर लिक्विड हैज स्ट्रीमलाइन फ्लो और लैमिनर फ्लो, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ द लिक्विड ऑलवेज रिमेंस कॉन्स्टेंट. अगर लैमिनर फ्लो रहा है ना तो वेलोसिटी हमेशा एक पॉइंट पे कॉन्स्टेंट रहेगी, लेकिन टर्बुलेंट फ्लो होगी तो वेलोसिटी विल कीप ऑन चेंजिंग विद टाइम, कंटिन्यूअसली चेंज ही होती रहेगी. यहाँ पे लिक्विड कैन बी सपोज टू बी मेड अप ऑफ लेयर्स. लिक्विड को है ना ऐसे मान सकते हैं कि छोटे छोटे लेयर्स में सच दैट वेलोसिटी ऑफ ईच लेयर रिमेन्स कॉन्स्टेंट. ये सपोज कैनाल बेड है, ये कैनाल का बेड नीचे का पोर्शन, तो यहाँ से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वेलोसिटी कीप ऑन इंक्रीजिंग. वेलोसिटी ऑफ द टॉप मोस्ट लेयर विल बी मैक्सिमम, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाते हैं वेलोसिटी कीप ऑन डिक्रीजिंग. Or because the bed is at rest, therefore the layer which is in contact with the canal bed will remain at rest. All right. So this is what is which flow? Streamline or laminar flow. Iska example hoga water flowing slowly through a canal. Main question puchne wala hu, dhyan se suno. Water flowing slowly through a canal. और यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी कीप चेंजिंग. यहाँ पे यू कैन नॉट कंसीडर लिक्विड टू बी डिवाइडेड टू सर्टेन लेयर्स, वो पॉसिबल ही नहीं है. यहाँ पे यू कैन टेक एग्जांपल फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर एट फ्लड.
फ्लो वाटर इन अ रिवर एंड फ्लड. फ्लड के टाइम पे ये ना पानी इधर उधर खिसक के जाता है. तो मैं समराइज कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू आस्क. ओम मिस्त्री ध्यान से सुन लिया. ओके अंडरस्टैंड. इफ द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इज लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी फ्लो इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो. More than critical velocity, turbulent flow. In this case, velocity at any point always remains constant. In this case, velocity keep changing with time. Here, liquid can be supposed to be made up of layers, such that velocity of each layer remains constant. Here, we cannot consider velocity to be made up in layers. यहाँ पे example, water flowing slowly through a canal. Canal में से पानी must flow. और यहाँ पे flow of water in the river at the time of flood. आलोक गुप्ता मुझे एग्जांपल बता लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो का. आलोक गुप्ता. यस सर. एग्जांपल तो स्टार्टिंग से सर के नीचे का सर वाटर फ्लो बता. ओनली एग्जांपल लैमिनार फ्लो का क्या एग्जांपल और टर्बुलेंट फ्लो का क्या एग्जांपल. हाँ सर, वाटर फ्लोइंग इन वेलोसिटी थ्रोइंग अ कैनाल और इसका टर्मिनल का वाटर फ्लो फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर ऑफ फ्लड. दैट इज राइट. लवली आंसर. बहुत अच्छा आंसर है. ओके अश्का, टेल मी व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन लेमिनर फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो. अश्का, इन लेमिनर फ्लो द वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड इन टर्बुलेंट फ्लो द वेलोसिटी चेंजेस. That is right. एक और critical velocity से क्या लेना देना है उसका वो भी बताओ. Velocity is the critical velocity is higher in laminar flow and lower in turbulent flow. क्या higher lower कर रही हो? ऐसा बोलो, if the velocity is less than critical velocity, it is streamline flow. If velocity is more than critical velocity, it is turbulent flow. बोल इतना, वापस बोल. Yes sir. In laminar flow, the velocity, the critical velocity is more than the velocity. अरे यार, इतना बोलना. Velocity of flowing liquid is less than critical velocity. इतना बोल देना. The velocity of flowing liquid is less than critical velocity. और वहाँ पे? In turbulent flow, the velocity of flowing liquid is more than critical velocity. That is right. Lovely answer. चलो हम लोग बढ़ते आगे. इसलिए जगह छोड़ दो. मैंने आपको already नोट्स भेजी हुई है. इसकी जगह छोड़ो, अगला क्वेश्चन लिखो. अगला क्वेश्चन लिखो. सभी लोग जगह छोड़ने के बाद प्लीज राइट द क्वेश्चन. एक्सप्लेन द टर्म्स विस्कोसिटी. एक्सप्लेन द टर्म्स विस्कोसिटी एंड नंबर टू विस्कस फोर्स. और फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी. फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी एंड ड्रॉ दिस डायग्राम ऑल ऑफ यू अलोंग विद मी. ड्रॉ द डायग्राम. Draw this फटाफट. थोड़ा कम बनोगे तो भी चलेगा. एग्जैक्ट नंबर गिन के मत बनाना. मेरी लाइन और आपकी लाइन दो चार कम होंगी, दो चार ज्यादा होंगी तो दैट्स ओके. इतनी सारी लाइन बनाने के बाद थोड़ी कम बनाओगे तो भी चलेगा. दिस इज कैनाल बेड.
draw this one, write this also. X, x plus dx, v, v plus dv. ओके कॉपी किया सभी ने डायग्राम कोई बैकग्राउंड में आवाज आ रही है आपकी यस नो भार्गव अपना वीडियो चालू रखो हाँ यस सर पानी पी रहा कोनन वेलकम कोनन वेलकम टू द ग्रुप Kunan, how are your papers? So better. Huh? Better than before. Okay. Aur barabar center mein raho. Come in the center of the camera. Yes. Aur andhera kyu karke rakha itna? Light chalu karo. Switch on the light. अरे घर क्यों दिखा रही हो अपना पूरा खाली तुम सामने आ जाओ ना बस यस यस सेंटर 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 और सेंटर हाँ यस यस ओके अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू देखो यहाँ पे कंसीडर लिक्विड फ्लोइंग स्लोली थ्रू अ कनाल एक लिक्विड एक कनाल में से स्लोली बह रही है ऑलराइट नाउ Having stream length, having which flow stream length. I'm going to ask her, keep that in mind. Don't say, mera ye problem tha, wo problem tha. Dhyan se suno. It liquid has stream length flow flow. We can suppose the liquid to be made up of layers, such that each layer has constant velocity. The layer which is in contact with canal bed, because canal bed is at rest, the liquid will also be at rest. As the distance of the liquid layer increases, the velocity of each layer one increasing in the topmost layer having the maximum velocity. Consider two adjacent layers. So now, two adjacent. मैं तीन adjacent layer लेता हूँ. एक diagram में मुझे बनाना. मैं खाली आपको समझाने के लिए. Let us say 1, 2, 3, 4. इसकी चार layer हैं. Alright. अब सुनो layer two की हालत देखो. Layer two की हालत. Layer 2 is accelerated by the faster moving layer situated above it. वो तीन बोलती है इसको दो को अरे जल्दी चल यार क्या इतना slow slow चल रही है Layer 3 दो को क्या बोलती है जल्दी चल Alright. लेकिन Layer 2 3 को क्या बोलती है मालूम एक मिनट Layer 3 दो को बोलती है जल्दी चल क्या जल्दी और Layer 1 क्या बोलती है दो को मालूम अरे क्या जल्दी है So every layer सुनो ये लाइन ध्यान से is accelerated by faster moving layer situated above it.
हर एक लेयर को उसके ऊपर वाली लेयर बोलती है अरे जल्दी चलना है यार, क्यों बिना बात परेशान कर रही है, और उसके नीचे वाली लेयर बोलती है अरे जल्दी क्या है, इट रिटार्ड्स, इट रिटार्ड्स। तो अब ये लाइन ध्यान से सुनो, जैसे तीन की हालत बता रहा, चार तीन को बोलती है जल्दी चल, और दो तीन को बोलती है स्लो चल, लाइक दैट। लेकिन तीन दो को बोलती है जल्दी चल, एक दो को बोलती है स्लो चल, जल्दी क्या है। तो अभी इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, एवरी लेयर, ये लाइन मेरे को चाहिए वापस इमीडिएटली, एवरी लेयर इज एक्सेलरेटेड बाय द फास्टर मूविंग लेयर सिचुएटेड अबव इट। ओ मिस्त्री इतना बोल, ओ मिस्त्री, एवरी लेयर इज एक्सेलरेटेड बाय द फास्टर मूविंग लेयर अबव इट, दैट इज राइट, लवली आंसर, बहुत अच्छा आंसर है ओम। एंड every layer is retarded by the slower moving layer situated below it. Asif, itna bol wapas. Every layer is retarded by the slower moving layer below it. That is right. That means every layer opposes the relative motion between the adjacent layer. Ye bahut important, relative motion, yani upar ka motion, niche ka motion, relative motion. Every layer opposes the relative motion of the adjacent layer. This opposition is called viscosity. This opposition is called viscosity. मतलब accelerate ऊपर वाले layer बोलते जल्दी चल, नीचे वाले layer बोलते जल्दी क्या है, तो इस property को बोलते हैं viscosity. And the force which does all this is called as viscous force, or force due to viscosity. And so, what is the property? The property of a liquid layer to oppose the relative motion. ये line मेरे को वापस चाहिए, ध्यान से सुनो. The property of a liquid layer which opposes the relative motion between the adjacent layers is called viscosity. भार्गेश बोल. The property of a liquid layer to oppose the ye wala word bujhne ke liye, oppose the relative motion between the adjacent layer, oppose the relative motion of the adjacent layer is called viscosity, is called viscosity. All right, so ab hum badhte hain aage. All right, तो ये डायग्राम्स हो गया। अब है ना, हमको अगला क्वेश्चन लिख दो, जगह छोड़ो। व्हाट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट, मैं स्पेलिंग लिखता हूं, देखो यहां पे देखो, आई हैव टेकन टू लेयर्स, वन इन द डिस्टेंस x, अदर एट द डिस्टेंस x प्लस dx, जो डिस्टेंस x पे है उसकी वेलोसिटी v, और जो डिस्टेंस x प्लस dx है उसकी वेलोसिटी v प्लस dv, देन द रेशियो dv अपॉन dx इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट, इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। What it is, you know, it is rate of change of velocity of a liquid layer with respect to WRT, means with respect to dx, its distance from the fixed layer, with respect to time nahi hai, generally kya hota hai, change with respect to time, isme with respect to distance from the fixed layer. I'm going to ask, then just along. Velocity gradient is defined as rate of change of velocity of a liquid layer with respect to its distance from fixed layer. Dagina? Dagina wala? Repeat kar isko. Yes, sir.
velocity gradient is the rate of change of velocity of a liquid layer with respect to the distance from the fixed layer. Yeah, with respect to? So the fixed layer. Okay, where were you yesterday? सो गया था स्टूपिड 10 बजे का लेक्चर रहते हैं तुम लोग 10 बजे तक सोते रहते हो उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखो ऑब्टेन यूनिट्स एंड डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी ग्रेडिएंट Obtain units and dimensions of velocity gradient. बहुत सारे लोग एब्सेंट थे सब सो गए थे Unit of velocity upon unit of distance. कोई मुझे बताएगा what is the unit of velocity? लिखते जाओ. What is the unit of velocity? SI unit. बोलो बोलो. अरे velocity का unit बोलो. The meter per second. That's right. Meter per second upon meter. So meter gets cancelled. So this will be 1 upon second. Or that is equal to second raised to minus 1 hour. Per second. Which will exist there, sir. And dimension kya hoga? Orally batao. Agar unit per second to dimension kya hoga? Orally कौन बताएगा डायमेंशन पर सेकेंड इसके हिसाब से पर टाइम तो एल जीरो एम जीरो टी माइनस वन दैट्स लवली आंसर बहुत अच्छा आंसर है बहुत प्यारा आंसर है ये मिटा दू इसको क्या अबाउट इसे मिटा दू क्या अस्का कॉपी yes, किया अस्का ओके इसके बाद लिखो yes, इसके बाद लिखो स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी I am going to ask straight away Newton's law of viscosity. एक ही बार बोलूँगा, बोलूँगा चलो बता क्या बोला मैं. State Newton's law of viscosity and hence define coefficient of viscosity. उसको बोलते हैं eta. देखो ऐसे n है ना, n को बना के टांग खींच दो उसको. इसको बोलते हैं eta. इसको पढ़ते हैं eta. ETA. अब सुनो न्यूटन ने इसका लॉ दिया है न्यूटन ने क्या बोला मालूम है न्यूटन हर चीज में घुस ही जाता है तो इसमें भी वो घुस गया तो उसने विस्कस फोर्स की दिन रात स्टडी की कि विस्कस फोर्स ज्यादा कब होता है कब कम होता है क्या प्रॉब्लम होता है वो सब निकाला उसने बहुत स्टडी की स्टडी करने के बाद क्या पता चला मालूम है विस्कस फोर्स ऑफ एक्टिंग ऑन एनी लेयर ही फाउंड उसको क्या पता चला एरिया ऑफ द लेयर ज्यादा होता था ना तो फोर्स भी ज्यादा होता था एरिया ऑफ द लेयर कम होता था तो फोर्स भी कम होता था तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एरिया ऑफ द लेयर एनीवन डायरेक्टली और इनवर्सली डायरेक्टली जैसे जैसे एरिया बढ़ता था वैसे वैसे फोर्स बढ़ता था
और एक और बात पता चली उसको, जैसे जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट बढ़ती थी वैसे वैसे फोर्स बढ़ता था, तो डायरेक्टली और इनवर्सली, डायरेक्टली और इनवर्सली, अरे डायरेक्टली और इनवर्सली टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, डायरेक्टली डायरेक्टली. ओके, तो उसने ये देख लिया, उसने न्यूटन ने क्या, आई एम गोइंग टू आस्क, ध्यान से सुनो, उसने पता लगाया कि विस्कस फोर्स ऑफ एक्टिंग ऑन एनी लेयर इज नंबर वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, नंबर टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट. मुझे ये बताएगी वैष्णवी, बोल इतना. वैष्णवी, विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कस ग्रेडियंट. That's lovely. बहुत अच्छा आंसर है. And therefore, you know, combining these two, we can say F is proportional to A into dV by dx. And therefore, F is equal to some constant. This constant is denoted by eta. Eta into A into dV by dx. ये formula आपको learn by heart करके दुनिया को दिखाना है. Where eta is called coefficient of viscosity. Where eta is called coefficient of viscosity. There you are. So, अब मैं न्यूटन लॉ एक बार फिर से बोलता हूं. सुनो ध्यान से, I am going to ask. Viscous force acting, according to Newton, viscous force acting on any layer is directly proportional to area of the layer, is directly proportional to velocity gradient. Combining F is proportional to A into dV by dx, F equal to eta into A into dV by dx, where eta is called coefficient of viscosity. Conan, itna bol. Conan Qureshi. What is Newton's law? Sir, can you repeat it again? No, I will not repeat. I don't like this. Mereko bilkul aise student pasand nahi hai. Jitu, bol. Jitu. जीतू सर, या यस जीतू, आई डोंट नो व्हाई यू डोंट नो. जीतू को एज वेल एज कोनिन को न्यूटन लॉ विस्कोसिटी 10-10 बार लेके आज मेरे पर्सनल ग्रुप पे, पर्सनल व्हाट्सएप पे भेजना है, नहीं ग्रुप में भेजना है 11th के, और अगर नहीं भेजा तो कल मैं उनको ग्रुप से निकाल देने वाला हूँ. मैंने 3 बार रिपीट किया इसको. ओके, लेट मी आस्क उष्णा, उष्णा उष्णा बोल, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी. उष्णा, आर यू देयर और disappeared? Sir, I'm there. चलो अभी मैं एक काम करता हूँ, दिस इम्पोजिशन गिवन आई एम टेकिंग बैक. उसने आंसर नहीं दिया तो दैट इज अ मेजर ऑफ माई डिग्री की किसी को समझ नहीं आया. तो आई एम रिपीटिंग अगेन फॉर ऑल ऑफ यू. According to Newton's law of viscosity, अब मैं नहीं दे, अब मैं 10 का नहीं 20 बार पूछने लिखाऊंगा मैं 20 times. If you don't answer, then say the last time I'm repeating. According to Newton, viscous force acting on any layer is directly proportional to area of the layer and is also directly proportional to velocity gradient. Khali itna bol hai. Conan bol. Conan bol. Samay ko samajh mein nahi aa raha hai wo. जीतू, जीतू या वो नाम, सो वो नाम समझ में नहीं आता. विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सो एरिया ऑफ द लेयर. Viscous force is directly proportional to area of the layer.
And also directly proportional to velocity quadrant. Quadrant? Gradient. Gradient. लिख नहीं रहे हो क्या जब मैं बोलता हूँ कॉपी करो क्वेश्चन. अभी अभी हमने यूनिट्स एंड डायमेंशन तो वेलोसिटी ग्रेडियंट निकला था कि क्या निकला था. ओके उष्णा रिपीट कर. Yes, sir. Viscous force is directly proportional to the area of velocity gradient. Okay. Conan will write it 20 times. Jitu will write it 10 times. मेरे को ग्रुप में आज शाम तक भेजना है आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी. टुमारो अदरवाइज आई विल रिमूव यू फ्रॉम द ग्रुप. कोनन सुन रही हो? Yes, sir. और जीतू आर यू लिसनिंग? Yes, मैंने चांस दिया वापस रिपीट किया उसके बाद में भी नहीं आता है तो आई विल नॉट लाइक दैट. जीतू यस नो? यस सर. यस सर. हाँ ओके. अभी मैं विस्कस फोर्स का फॉर्मूला पूछूंगा तो आपको फॉर्मूला देना होगा एफ इक्वल टू ईटा इनटू ए इनटू डीवी बाय डीएक्स. मैं बोलूंगा ईटा क्या है तो आपको बोलना है ईटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. ये क्वेश्चन में आने वाला है अभी. हेलो गुप्ता विस्कस फोर्स का फॉर्मूला बता. हाँ सर एफ इज इक्वल टू ईटा एंड हाँ सर बोल रहा हूँ. हाँ. सर F is equals to eta into A upon A into dx upon dv upon dx. Oh, where eta kya hai? Eta is a coefficient of velocity. Huh? Coefficient of? Coefficient of? Viscosity. Viscosity. How to define coefficient of viscosity? F equal to eta into A into dv by ds. If A equal to 1, yani ki unit area, and dv by ds equal to 1, yani ki unit velocity gradient, isko unit bolte hain, unit area, jab bhi 1 hota hai to unit area, 1 hota hai to unit velocity gradient. Agar A ko badle 1 rakhu, dv by ds ke badle 1 rakhu, to kaise F equal to eta into 1 into 1, and therefore, eta equal to F. इसकी डेफिनेशन क्या हुई? I am going to ask straight away. Coefficient of viscosity is defined as viscous force per unit area per unit velocity gradient. I am repeating last time. Coefficient of viscosity is defined as यहाँ तक कोई problem नहीं है. Viscous force is defined as viscous force per unit area, per unit velocity gradient, per unit velocity gradient, per unit area, per unit velocity gradient. मुझे ये repeat करेगा मार्च. Coefficient of viscosity is defined as viscous force per unit area, per unit velocity gradient. That's right, lovely answer. मस्त. कल तुम कहाँ थे? Why you were not there yesterday? मैं भी सो रहा था. अरे क्या सो रहे हो? 10 बजे तक सोते हो तुम लोग यार. I don't understand this. चलो इसके बाद लिखो. Obtain the dimensions of coefficient of viscosity. Obtain the dimensions of coefficient of viscosity. और ये होमवर्क भी अभी खत्म कर देंगे अपन. Obtain the dimensions of coefficient of viscosity. देखो ऐसा लिखो सिंस एफ इक्वल टू ईटा देयरफॉर ईटा इक्वल टू एफ अपॉन ए डीवी बाय दैट इज इक्वल टू एफ इनटू डीएक्स दैट इज एफ इज व्हाट एफ इज एम ए डीएक्स इज लेंथ दैट इज एल एरिया इज एल स्क्वायर dv is L by T. So, पहले this L and this L gets cancelled. ये T ऊपर आ जाएगा.
a के बदले l अपॉन t स्क्वायर इधर आएगा l स्क्वायर तो m upon l t L minus one, M one, T minus one. मैं आपको repeat, आपको explain करूंगा, don't worry. Copy this down. No homework. यहीं पे खत्म कर रहे हैं हम लोग इसको. देखो इधर देखो f इक्वल टू ईटा a dt by dx देखो ईटा विल बी f अपॉन a dv by dx ये dx को ऊपर ले गया तो f इनटू dx अपॉन a dv f के बदले ma dx के बदले l a के बदले l स्क्वायर ये अरे हाँ ये dv था ना हाँ dv के बदले l अपॉन t बराबर l अपॉन t ये वेलोसिटी थी ना वेलोसिटी का l by t तो दिस l एंड दिस l गेट्स कैंसिल m into a के बदले l upon t square और ये वाला t ऊपर गया और l square into t square क्योंकि l upon t square था तो this will become m upon l t therefore l minus one m one t minus कुछ doubt है मेरे को पूछो completely clear है completely clear कुछ भी doubt है तो मेरे को पूछो please asking doubt I will not give imposition ना बट लेकिन मैं दो बार रिपीट करके स्पेशल पूछूंगा तो फिर तो आंसर नहीं दोगे तो दैट विल बिकम एन इंपोजिशन और कोने ना मीन इट अगर आज शाम तक नहीं भेजा ग्रुप के अंदर ही तो यू विल बी रिमूव टुमारो और जीतू तुम भी 10 टाइम्स कुछ डाउट है पूछो मेरे को मैथमेटिक्स है यहाँ पे देखो एफ के बदले एम ए ये ग्रीन ये BF तो ये L और ये एरिया तो ये एरिया के बदले L square और ये वेलोसिटी के बदले ये देखो ऐसा करके L by T बस इसके बाद अरेंज किया सब A के बदले L upon T square this A I have written as L upon T square अब समझ में आ गया